देवी सीता मिथिला के नरेश राजा जनक की ज्येष्ठ पुत्र थी। उनका विवाह अयोध्या के नरेश राजा दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र श्री राम के से स्वयंवर में धनुष के को भंग करने के उपरांत हुआ था। उन्होंने स्त्री व पतिव्रता धर्म का पूर्ण रूप से पालन किया था, जिसके कारण इनका नाम बहुत ही आदर से लिया जाता है। माता सीता नेपाल से थी और वह मैथिली समाज से आई हुई थी। एक माता सीता पृथ्वी के अंदर क्यों चली गई? एक बार जब उन्होंने राम द्वारा अपने बच्चों को स्वीकार करते हुए देखा तो सीता ने अपनी माँ भूमि की बाहों में अंतिम आश्रय मांगा और कहा। दोस्तों, कहा जाता है कि सीता माँ धरती माता की पुत्री थी, तो जाके फिर उन्होंने कहा कि यह अन्याय दुनिया में मैं रहना नहीं चाहती हूँ, धरती माता मुझे समा लीजिए। उसके बाद धरती माता आई और सीता जी को अपने अंदर समा लिया और लेकर चली गई। नेपाल में दावा किया जाता है कि सीता नेपाल के जनकपुर की कन्या थी, जबकि भारत के बिहार में स्थित सीतामढ़ी को ही उनका जन्म स्थान माना जाता है। सीतामढ़ी में सीता से संबंधित कई मंदिर और पवित्र स्थल हैं। इन्होंने दोनों ही स्थानों से सीता और राम का संबंध जोड़ा हुआ है। सीता और रावण का क्या रिश्ता है? उसे स्वर्ण जलपरी भी कहा जाता है। एक अन्य रामायण में श्री राम की पत्नी देवी सीता को भी रावण की बेटी बताया गया है। रामायण के अनुसार अपनी पुत्री पर ही बुरी दृष्टि डालने के कारण रावण का अंत हुआ था। माता सीता धरती में सोने की डलिया में मिट्टी में लिपटी हुई मिली। एक सुंदर कन्या मिली। उस कन्या को हाथों में लेकर राजा जनक ने उसे सीता का नाम दिया और उसे अपनी पुत्री के रूप में अपना लिया। यह रहस्य आज भी बरकरार है कि सीता के माता पिता कौन थे। यह बहुत ही आश्चर्य कि वनवास श्री राम को मिला था, लेकिन माता सीता भी उनके साथ महलों के सारे सुख धन और वैभव को छोड़कर चली थी, सिर्फ इसलिए कि उन्हें अपने पतिव्रत धर्म को निभाना था। इसलिए भी कि उन्होंने 7 वचन साथ में पढ़े थे। उस काल में वन में बहुत ही भयानक हुआ करता था, वहाँ रहना भी बहुत कठिन था, लेकिन माता सीता ने राम के साथ ही रहना स्वीकार किया। निश्चित ही पति को अपनी पति के हर कदम पर साथ देना जरूरी है, उसी तरह पत्नी का भी उसके पति पर हर सुख और दुख पे साथ देना जरूरी है। कोई महिला यदि अपने पति के दुख में दुखी और सुखी में सुखी नहीं होती है तो उसे सोचना चाहिए कि वह क्या है। आदर्श और उत्तम दाम्पत्य जीवन शिव पार्वती और राम सीता की तरह ही हो सकता है। जब माता सीता ने जब रावण से अपहरण कर लिया और उन्हें अशोक वाटिका में रखा, तब इस कठिन परिस्थिति में भी उन्होंने शील सहनशीलता साहस और धर्म का पालन किया। इस दौरान रावण ने उन्हें साम दाम दंड और भेद तरह की नीति से अपनी ओर झुकाने का प्रयास किया, लेकिन माता सीता नहीं झुकी, क्योंकि उनको रावण की ताकत और वैभव के आगे अपने पति श्री राम और उनकी शक्ति के प्रति पूरा विश्वास था। लंकादा पति रावण ने अपहरण करके 2 वर्ष तक माता सीता को अपनी कैद में रखा था। इस कैद में माता सीता एक वाटिका की गुफा में राक्षसनियों के पहरे में रहती थी। माता सीता सिर्फ गृहिणी ही नहीं थी, अर्थात घर में रहकर रोटी बनाना या घर के सभी कामकाज देखना, वे प्रभु श्री राम के हर कार्य में हाथ बटाती थी। इस तरह वे एक कामकाजी महिला भी थी। श्री राम जहाँ रुकते थे वहाँ वे 3 लोगों के रहने के लिए कुटिया बनाते, खुद के कपड़े बनाते, जलाने के लिए लकड़ियाँ इकट्ठी करते और खाने के लिए कंदमूल तोड़ते। उन सभी कार्यों में लक्ष्मण सहित माता सीता उनका साथ देती थी। दोस्तों, सीता जी की जानकारी आप लोगों को अगर अच्छी लगी हो तो बहुत सारा प्यार दीजिए और चैनल को आगे बढ़ाइए। दोस्तों, चलिए मिलते हैं अगले ब्लॉग में।